महाराष्ट्र में लंबी खींचतान के बाद आज बनी भाजपा और राकांपा की सरकार ने जहां एक ओर सभी सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है, वहीं इस गठबंधन को भाजपा के नेता जनता का फैसला और जनाधार का नतीजा बता रहे हैं। इंदौर के भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने महाराष्ट्र में हुए इस गठबंधन को लेकर कहा कि जिस तरह चुनाव में भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में निकल कर आई है और जिस प्रकार से शिवसेना ने मोल भाव करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जिस तरह विपरीत ध्रुव के साथ समझौता किया है और सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उसे जनता ने नकारा है। महाराष्ट्र की जनता की इच्छा को जानते हुए ही एनसीपी ने भाजपा का समर्थन किया है, जिसके बाद जनता की पसंद की सरकार बनी है। वहीं एनसीपी से मिले समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवसेना ने पूरे प्रदेश में वातावरण खराब किया है, उससे लोग आक्रोशित और गुस्से में थे, जिसे भाप कर एनसीपी ने भाजपा को समर्थन दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए और जिस प्रकार का जनता ने वहाँ मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ आई थी और फिर जिस प्रकार ने शिवसेना ने एक प्रकार से बार्गेनिंग करने की जो बात कही थी और उन्होंने अंततः विपरीत ध्रुव के साथ समझौता किया और वो सरकार बनाने की बात चल रही थी, मुझे लगता है ये वहाँ की जनता को भी पसंद नहीं था और वहाँ की जनता जो चाह रही थी उसको ध्यान में रखते हुए एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का अंत फैसला किया और जो अभी तक जानकारियाँ मिल रही है 170 से ज़्यादा विधायक इस सरकार के समर्थन में है, तो ये एक जो जनता वहाँ चाहती थी उसकी सरकार बनी और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस जी बनेंगे और फडणवीस जी बने। क्या लगता है भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए हैं, तो ये गठबंधन के लिए देखिए उन्होंने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को और जिस प्रकार शिवसेना ने वहाँ वातावरण पूरे प्रदेश में खराब किया, लोग आक्रोशित थे, लोगों को गुस्सा था और एनसीपी ने उसको भाप कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया।